और एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। बिहार जाति जनगणना पर मायावती ने ट्वीट किया, बिहार जाति जनगणना सुर्खियों में है। जाति जनगणना पर गहन चर्चा जारी है, कुछ पार्टियां नतीजों से असहज है। बीएसपी के लिए ये लंबे संघर्ष की पहली सीढ़ी, ओबीसी के संवैधानिक हक के लिए पहली सीढ़ी है। देश की राजनीति नई करवट ले रही है, बहुजन पक्ष के समाज में नई करवट ले रही है। आरक्षण विरोधी चिंतित नजर आ रहे हैं, जातिवादी सांप्रदायिक दल चिंता में हैं। यूपी सरकार भी जाति जनगणना कराए, जनभावना देखते हुए तुरंत जाति जनगणना हो, मायावती की तरफ से कहा गया। सही समाधान केंद्र के जरिए ही होगा, केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराए, लोगों को उनका हक दे केंद्र सरकार। ये मायावती की तरफ से कहा गया है। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद अब मायावती ने कहा है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए और ऐसे में केंद्र ही से करा सकता है। राज्य स्तर पर केंद्र इस बात की तस्दीक करे, इस बात को बोले और जातिगत जनगणना जो है वो कराई जाए ताकि सबको सबका हक मिले, बहुजन पक्ष के समाज में नई करवट अब मायावती की तरफ से नजर आ रही है। बिहार जाति जनगणना पर मायावती ने ट्वीट किया है, बिहार जाति जनगणना सुर्खियों में है। जाति जनगणना पर गहन चर्चा जारी है, कुछ पार्टियां नतीजों से असहज है, ये मायावती की तरफ से कहा गया, यानी कि निशाना भी साधा गया है। बीएसपी के लिए ये लंबे संघर्ष की पहली सीढ़ी है, ओबीसी के संवैधानिक हक के लिए पहली सीढ़ी, मायावती ने से बताया है। देश की राजनीति नई करवट ले रही है, बहुजन पक्ष के समाज में नई करवट ले रही है, आरक्षण विरोधी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो सांप्रदायिक दल चिंता में है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही ये कहा गया कि यूपी सरकार भी जाति जनगणना कराए, जनभावना देखते हुए तुरंत जाति जनगणना होनी चाहिए। सही समाधान केंद्र के जरिए ही होगा, केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराए, लोगों को उनका हक दे केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराए और जाति जनगणना की मांग लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो भी रही है। हालांकि अब मायावती ने एक ट्वीट किया है बिहार में जातिगत जनगणना के बाद कि ये जरूरत है और ये होनी भी चाहिए, ये लंबे समय से जो बीएसपी लड़ाई लड़ रही है उसकी पहली सीढ़ी एक तरीके से होगी। बिहार जाति जनगणना पर ये मायावती ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उस ट्वीट के जरिए उन्होंने तमाम बातें जो हैं एक एक कर रखी हैं और ये कहा है कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के लिए कहना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात करे। बिहार जाति जनगणना सुर्खियों में है, हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ पार्टियां इससे असहज हो सकती हैं इसके नतीजों से और संभवतः बीजेपी की तरफ निशाना साधा गया है मायावती की तरफ से, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है बीजेपी। बीएसपी के लिए ये लंबे संघर्ष की पहली सीढ़ी है, ये मायावती ने बाकायदा ट्वीट में लिखा है, लोगों को उनका हक जो है वो केंद्र सरकार को देना चाहिए। यह भी कहा है केंद्र सरकार को इसमें फैसला लेना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहल जो है वो की जानी चाहिए, यह भी बीएसपी की तरफ से कहा गया है। ओबीसी के संवैधानिक हक के लिए ये पहली सीढ़ी है। तो देश की राजनीति नई करवट ले रही है, मायावती की तरफ से कहा गया है, बहुजन पक्ष के समाज में नई करवट ले रही है। और इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से मायावती ने अब जातिगत जनगणना की बात कही है, लगातार ये मुद्दा बार बार उठता रहा है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं निशाना भी साध रही हैं कि कुछ पार्टियां असहज हो सकती हैं उसके आंकड़ों से। देखिए बिल्कुल मायावती को एक बहुत ही अच्छा वक्त मिल गया सियासत में, कहते हैं कि अगर आपको सही वक्त पर सही बात मिल जाए या सही मुद्दा मिल जाए तो सियासत में हमें एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो मायावती को भी लगता है कि वो बहुजन समाज के साथ साथ ओबीसी की बात करें, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जैसी जनगणना के आंकड़े जो सार्वजनिक होने की खबरें हैं तो सुर्खियों पर है, लेकिन इस पर गहन चर्चा अभी जारी है। मायावती सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीएसपी तो हमेशा ओबीसी के संवैधानिक हक के लिए लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन साथ में ये भी वो कह रहे हैं कि नबी एससी आरक्षण को निष्क्रिय और जो प्रभावी बनाया जा रहा था उसका ओबीसी और मंडल विरोधी जो जातिवादी सांप्रदायिक दल है उन्होंने इसको लेकर अब चिंतित नजर आने लगे। तो आप मान के लिए 2024 के चुनाव से पहले ये जो जाति जनगणना है जो बिहार में हुई है वो पूरे देश में सुर्खियों में रहने वाली है, लेकिन बीजेपी भी अपनी मास्टर रणनीति चलेगी। बीजेपी का पहले से ओबीसी और दलित पर फोकस है, तो देखिए जो
ओबीसी जो हो रही है वो भी इसी तरह से हो रही है कि ओबीसी को फोकस करना है, तो उसको कहीं ना कहीं मायावती ने जो ट्वीट किया है उनको लगता है कि अब इसको वो भुना सकती है और सारे दल कर रहे हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी जितने बड़े नेता हैं, चाहे शिल्पा केशव मौर्य की बात करिए, बिल्कुल अजीत मैं वापस आपके पास लौट रहे हैं। अमिक जमे इस वक्त हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। अमिक जी बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अमिक जी, जनगणना की मांग तो लगातार होती रही है, अब ये कहा जा रहा है मायावती की तरफ से कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराए, यहाँ पर आपके आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद को ओबीसी कहते हैं और उनका ये कहना है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, पिछड़े समाज से आया हूँ। पूरे देश में माननीय श्री यादव जी ने पिछले करीब 22 के बाद हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन जातिगत जनगणना के लिए उत्तर प्रदेश में, वो हमारा प्राइम एजेंडा है। हम ये चाहते हैं कि जो इल्जाम हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मोस्ट बैकवर्ड है, इवन सामान्य वर्गों में उत्तर प्रदेश में जो क्षत्रिय समाज है उसमें शिक्षा में बहुत बैकवर्डनेस है। तो अगर एक जातिगत जनगणना होती है तो एक तो सबकी गिनती सामने आ जाएगी जी। उसके बाद इसमें कितना पिछड़ापन है, तो भारत की सरकार को, राज्य की सरकारों को उन वंचित तबकों को आगे लाने के लिए एक प्लानिंग का कोई खाका होगा। लेकिन केंद्र की सरकार मोदी जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, वो इसके खिलाफ खड़े हैं। अदानी केशव मौर्य जी से आप लोगों ने एक बार पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैं जातिगत जनगणना के हक में हूं। तो अब नीतीश जी ने जब एक रास्ता दिखा दिया है बिहार की सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना करा के जो समाज हमारा पीछे रह गया है, ठीक, आप तो देखिए गिनती, यानी कि स्थिति अमित जी साफ हो जाएगी, इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो जानी चाहिए। अल्ला सिंह जी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अल्ला जी बहुत स्वागत आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अल्ला जी, बीएसपी तो मांग कर ही रही है, अमित जमाई जी भी कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, कौन किस स्थिति में है जी? नहीं, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, कोई भी राजनीतिक दल है, उनको पूरा पूरा अधिकार है कि वो लोकतंत्र में किसी भी चीज की मांग रख सकते हैं और ये सत्ताधारी सरकारों के प्रेरोगेटिव पर है कि किस पे वो कार्य करते हैं जी, प्रदेश हित और राष्ट्र हित में, और किस पे नहीं करते हैं। अला जी, बीएसपी तो ये कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करानी चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करानी है, जातीय जनगणना जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, एक राज्य में एक जाति पता चलता है वो सवर्ण में आती है, दूसरे राज्य में उसी सरनेम की जाति जो है वो पिछड़े में आती है, तीसरे में वो दलित में आती है। राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, परंतु मैं फिर अपनी बात पे वही कहूंगी कि ये राष्ट्रीय सरकार और प्रदेश की सरकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने अपनी जातीय जनगणना के आंकड़े उजागर किए हैं जी। वो उनकी वहां पर सरकार है, उनका प्रेरोगेटिव है, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया और उजागर किए। ठीक, अमित जी आपका रिएक्शन। समाजवादी पार्टी का, मैंने अखिलेश जी देवल से एक बात ये कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड की जो आबादी है वो तकरीबन 83-85% है, जैसे कि बिहार में भी सामने आया है। लेकिन आप भी बताइए कि कैसा न्याय है कि चाहे मुख्यमंत्री जी के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का आप जरा आंकड़ा देखिए, चाहे आप जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उसकी ब्यूरोक्रेसी का रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो एससी एसटी ओबीसी जो 83% है वो 3% भी नहीं है, और जिनकी आबादी 2% है वो 90% ब्यूरोक्रेसी में वहां पे खड़े हुए हैं। अखिलेश जी का ये कहना है कि ये अन्याय है, हम चाहते हैं कि जो भी धर्म और जाति के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इवन जुडिशरी में ठीक, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए, हालांकि समय बताएगा इसको लेकर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इस वक्त